हे गाइस, द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सरस्वती जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो थोड़ा विचित्र है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है बासर। इस गांव में गोदावरी के तट पर स्थित है ज्ञान की देवी देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर। बासर स्थित इस मंदिर के विषय में प्रचलित मान्यता है कि महाभारत के लेखक वेदव्यास जब मानसिक उलझनों से उलझे हुए थे, तब शांति के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वह अपने मुनियों सहित उत्तर भारत की तीर्थ यात्राएं कर बासर पहुंचे। उन्होंने गोदावरी नदी के तट को देखा और नदी के तट की सौंदर्यता को देखकर वह कुछ देर वहीं ठहर गए। यहीं पर उन्हें अपने ज्ञान की अनुभूति भी हुई। ये तो सर्वव्याप्त है कि माँ सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। उन्हें ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहा गया है, जो विद्या की देवी भी मानी गई है। उनका दूसरा नाम शतरूपा भी है। सरस्वती जी को कई और नामों से भी जाना जाता है, वाणी, वाग देवी, भारती, शारदा, वागेश्वरी इत्यादि। ये वीणा वादन तत्परा, शुक्ल वर्ण श्वेत वस्त्र धारिणी तथा श्वेत पद्मासना कहलाती हैं। ज्ञान एवं बुद्धि, संगीत, ललित कला, वाणी, रचनात्मक कार्य, सबकी देवी माँ सरस्वती ही तो है। महाकाली, महासरस्वती तथा महालक्ष्मी मिलकर महादेवियों के समूह का निर्माण करती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार यहाँ माँ सरस्वती के मंदिर से थोड़ी दूर स्थित दत्त मंदिर है, जहाँ से होते हुए गोदावरी नदी से एक सुरंग जाया करती थी। इसी सुरंग की मदद से उस समय के राजा महाराजा पूजा के लिए जाया करते थे। कथाओं के अनुसार वाल्मीकि ऋषि ने यहाँ आकर माँ सरस्वती से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उसी के पश्चात यहीं रामायण के लेखन की शुरुआत भी की। देवी सरस्वती वेद माता के नाम से विख्यात है। चारों वेद इन्हीं के स्वरूप माने जाते हैं। कहते हैं कि महाकवि कालिदास, वरदराचार्य, वोपदेव आदि मंद बुद्धि लोग सरस्वती उपासना के सहारे उच्च कोटि के विद्वान बने थे। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ केंद्रीय प्रतिमा सरस्वती जी की स्थापित है और इतना ही नहीं, यहाँ लक्ष्मी जी को भी विराजमान किया गया है। इस मंदिर में सरस्वती जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा विराजमान है और यह प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में है। इसकी ऊंचाई 4 फुट है। इस मंदिर की सबसे खास बात जो सभी भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, वह है कि मंदिर के एक स्तंभ से संगीत के 7 स्वर सुनाई देते हैं। अगर आप ध्यान से कान लगाकर सुनेंगे तो आपको ध्वनि साफ सुनाई देगी। यहाँ की धार्मिक रीति भी प्रचलित है, जिसे अक्षर आराधना कहा जाता है। अक्षर आराधना में बच्चों को अपनी विद्या प्रारंभ करने से पहले अक्षराभिषेक कराने के लिए यहाँ लाया जाता है, मतलब बच्चे के जीवन के पहले अक्षर यहाँ लिखवाए जाते हैं। इसके बाद प्रसाद के रूप में हल्दी का लेप बांटा जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों माँ सरस्वती की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें नई नई डिवाइन वीडियोस देखते रहने के लिए। शुक्रिया।